नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, 1 मार्च 2021 से हमारी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यालय ओपन हो जाएंगे। विद्यालय ओपन होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में एक समृद्ध कार्यक्रम चलेगा। इस समृद्ध कार्यक्रम को लेकर हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये समृद्ध कार्यक्रम क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये समृद्ध कार्यक्रम क्या है। इसके साथ साथ हम जानेंगे ये कब से शुरू होगा और कितने दिन तक चलेगा। ये सब हम डिटेल में जानेंगे और इसमें हम ये भी जानेंगे कि शिक्षकों को इस समृद्ध कार्यक्रम में क्या क्या करना होगा। पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें और इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आखिर क्या है समृद्ध कार्यक्रम। समृद्ध कार्यक्रम या ये कह सकते हैं समृद्ध मॉड्यूल प्रोग्राम। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि समृद्ध कार्यक्रम या समृद्ध प्रोग्राम किससे संबंधित है या समृद्ध कार्यक्रम क्या है। तो इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, जिसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन कार्य है। बच्चों के सीखने के क्रम को पुनः कैसे जोड़ें जिससे वे सहजता के साथ सीखने की प्रक्रिया से जुड़ जाएं, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को मिशन प्रेरणा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा उत्सव 100 दिन का कैंपेन की घोषणा की है। देखिए, प्रेरणा ज्ञानोत्सव से संबंधित मैंने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देखिए, तो उसमें मैंने बताया था कि 100 दिन का कैंपेन की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिससे कि सभी छात्र, अभिभावक, शिक्षक मिशन प्रेरणा की ओर प्रोत्साहित हो जाएं। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे समृद्ध कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। ये 100 दिन का आपका कार्यक्रम है। समृद्ध कार्यक्रम प्रोग्राम के तहत उपचारात्मक शिक्षण के लिए मॉड्यूल में 3 प्लान तो हिंदी के लिए दिए गए हैं और 3 प्लान गणित के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, एक समृद्ध मॉड्यूल है, उसमें 3 प्लान हिंदी के लिए दिए गए हैं और 3 प्लान गणित के लिए दिए गए हैं। ये जितनी भी हस्तपुस्तिकाएँ हैं शीघ्र ही आपके विद्यालय में पहुँच जाएंगी, तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में आपके विद्यालय में पहुँचने वाली हैं। अब बात करते हैं समृद्ध कार्यक्रम कितने दिन तक संचालित करने का प्रावधान है। विभागीय आदेशों से स्पष्ट है कि भाषा और गणित के लिए 8 सप्ताह की कार्य योजना प्रस्तावित है, यानी ये आपका 8 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें समय समय पर परिवर्तन संभव है कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले समृद्ध मॉड्यूल भाषा की। भाषा के समृद्ध मॉड्यूल में 3 प्लान्स द्वारा शिक्षण किया जाएगा। आपको 3 प्लान्स पर कार्य करना है, ये निम्नलिखित है। सबसे पहला है आपका समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1। कक्षा 1 के लिए शिक्षक संदर्शिका अलग है, उसका नाम है समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका। उसके बाद दूसरी है हमारी समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 और 3 के लिए, और तीसरी है हमारी समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 4 और 5 के लिए। ये सभी आपको मिलेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पीडीएफ की जरूरत है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपको मिलता चला जाएगा, और जैसे जैसे मिलता चला जाएगा मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं
भाषा के उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या क्या सहायक सामग्री आपको यूज करनी है, एक तो आपको चित्रात्मक पोस्टर 90 चार्ट आपको मिले होंगे उनका यूज करना है, चित्र चार्ट का यूज करना है, कविता पोस्टर का यूज करना है, कहानी पोस्टर का यूज करना है, कलरव की पाठ्य पुस्तकों का यूज करना है और उपचारात्मक अभ्यास पुस्तिकाएं का यूज करना है, सहज पुस्तिकाओं का यूज करना है और समृद्ध प्रोग्राम भाषा की शिक्षक संदर्शिकों का आपको उपयोग करना है। उसके बाद समृद्ध मॉड्यूल गणित, गणित के समृद्ध कार्यक्रम में भी 3 प्लान्स हैं आपके, इनके द्वारा शिक्षण कार्य किया जाएगा, लेकिन ये प्लान्स भाषा के प्लान से थोड़े भिन्न है। भाषा का तो आपका कक्षा 1 का 1 प्लान था, कक्षा 2-3 का 1 प्लान था और कक्षा 3-4 का 4-5 का आपका अलग प्लान था, लेकिन ये थोड़े से अलग है। क्या अलग है? समृद्ध स्तर 1, इसमें आपकी कक्षा 1 और 2 आएगी। उसके बाद दूसरा है हमारा समृद्ध स्तर 2, इसमें आपकी कक्षा 3 और 4 आएगी। और तीसरा है हमारा समृद्ध स्तर 3, इसमें आपकी कक्षा 5 आएगी। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें समृद्ध स्तर 1 में कक्षा केवल 1 थी और 2 में 2-3 थी और 3 में 4-5 थी, लेकिन इसमें समृद्ध स्तर 1 में कक्षा 1 और 2 होगी, समृद्ध स्तर 2 में कक्षा 3 और 4 होगी और समृद्ध स्तर 3 में कक्षा 5 होगी। उसके बाद गणित उपचारात्मक शिक्षण हेतु कौन कौन सी सहायक सामग्री आपको यूज करनी है, नंबर 1 है गणितीय अवधारणा चार्ट, 12 चार्ट आपको दिए गए हैं, कलराव और गिनतारा की पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 और 2 की, गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 1 और 2 और समृद्ध स्तर 1 और 2 व 3। उसके बाद बात करते हैं हिंदी समृद्ध मॉड्यूल फॉर प्रेरणा ज्ञानोत्सव, यानी 10 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के बारे में। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से विद्यालय खुलते ही 100 दिन का एक विशेष उपचारात्मक शिक्षण अभियान चलाया जाएगा, जो आपका 1 तारीख से चलेगा। इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में किस प्रकार हिंदी भाषा का उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, इसकी रूपरेखा समृद्ध मॉड्यूल, हिंदी का जो समृद्ध मॉड्यूल है कि इसकी शिक्षक संदर्शिका में विस्तार से दी गई है, जो आपको जल्द ही मिल जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कक्षा 1, 2 व 3 के लिए भाषा के 3-3 कलांश आपके होंगे, आपको भाषा के 3-3 कलांश चलाने होंगे, जबकि कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा के 2 कालांश आपके निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं बेसलाइन आकलन की। 100 दिन उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा 1 को छोड़कर, आपको कक्षा 1 को छोड़ देनी है, कक्षा के बच्चों का प्रारंभिक आकलन सबसे पहले किया जाएगा। प्रारंभिक आकलन के लिए आकलन टूल दिए गए हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से मैंने बता भी चुका हूं और कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, आप समय समय पर मेरी वीडियो को देखते रहिए। स्तर 1 को छोड़कर शेष दोनों के लिए परीक्षण प्रपत्र शिक्षक संदर्शिका भाषा में दिया गया है। उसके बाद बेसलाइन आकलन यानी कि आरंभिक परीक्षण आप कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षण के लिए समृद्ध मॉड्यूल की भाषा संदर्शिका में पठन कार्ड दिए गए हैं, बच्चों से पठन कार्ड पढ़ाया जाएगा और स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करते रहेंगे। उसके बाद शब्द कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र एक ही तालिका में दिए गए हैं। कक्षा 2 और 3 के लिए शब्द कार्ड और कक्षा 4 व 5 के लिए पाठ कार्ड दिए गए हैं। स्कोरिंग से संबंधित नियम मॉड्यूल में दिए गए हैं, वो भी आपका सबको दिया गया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद ही मैं आपको वो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, उसको आप देखते रहिए। बात करते हैं समृद्ध मॉड्यूल भाषा के 3 प्लान कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शिक्षक संदर्शिका भाषा स्तर 1, जो आपकी कक्षा 1 के लिए है। यह संदर्शिका कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। इस मॉड्यूल में 8 सप्ताह की योजना दी गई है, जिसमें साप्ताहिक और दैनिक कार्य योजना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें ध्वनि चेतना पर काम करना है, वर्ण मात्रा पर काम करना है, कविता कहानी चित्र पर कैसे काम करेंगे कार्य करेंगे, ये भी उसमें डिटेल में समझाया गया है। कक्षा 1 में विशेष बात यह है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षण नहीं किया जाएगा। समूहवार आयोजित होने वाली गतिविधि क्या क्या होंगी, केवल समूह 1 में, कालांश 1 में क्या क्या होगा, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधि कविता कहानी पोस्टर पर कार्य है, कहानी पर कार्य है, चित्र पर चर्चा, और कालांश 2 और 3 में क्या होगा,
ध्वनि चेतना वर्ण पहचान के पर कार्य, मात्रा पहचान पर कार्य करेंगे, ब्लेडिंग पर कार्य करेंगे, शब्द पठन पर कार्य आपको करना है। अब बात करते हैं शिक्षक संदर्शी का भाषा के स्तर दो की, जो आपका कक्षा दो और तीन के लिए है। स्तर दो इस मॉड्यूल में बताया गया है कि कक्षा दो और तीन के लिए बच्चों को सहज कैसे करें। इसमें डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस स्तर में वर्ण पहचान, वर्ण मात्रा की पहचान आपको करानी है, शब्द स्तर और वाक्य स्तर पर काम करेंगे, साथ ही मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। कक्षा दो और तीन के बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए परीक्षण पत्र किस तरह से करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसलाइन आकलन के लिए दो समूहों में निम्न प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाएगा। कक्षा दो और तीन के लिए समूह निर्धारण करेंगे। अगर बच्चे 10 या उससे कम शब्द पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें समूह एक में रख देंगे, और 11 या उससे अधिक शब्द पढ़ रहे हैं तो उन्हें समूह दो में रख देंगे। अब समूह एक में क्या गतिविधि हमें करानी है? समूह एक में कालांश में कक्षा में अनुकूल वातावरण बनने के लिए गतिविधि करेंगे। कविता कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा, और कालांश दो और तीन में वर्ण मात्रा और शब्दों का पर कार्य, अभ्यास पुस्तिका स्तर एक पर अभ्यास कार्य, सहज एक पर कार्य पठन और मौखिक कार्य आपको कराना है। और समूह दो में कालांश एक में तो आप कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियाँ कविता कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे, कहानी पर कार्य करेंगे और चित्र पर चर्चा करेंगे, और कालांश दो में वर्ण मात्रा पहचान सब वाक्य पर कार्य, अभ्यास पुस्तिका स्तर दो की जो है आपकी पर अभ्यास कार्य कराएंगे, सहज एक और सहज दो शब्द पर कार्य पठन और मौखिक कार्य आपको कराना है। अब बात करते हैं शिक्षक संदर्शी का भाषा के स्तर तीन। स्तर तीन में आपकी कक्षा चार और पाँच आएगी। इसमें मुख्य रूप से स्कूल शुरू होने पर बच्चों को सहज कैसे करें, इस स्तर में डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति पर विस्तार से कार्य योजना दी गई है। इस संदर्शिका में 8 सप्ताह की योजना दी गई है, साप्ताहिक योजना दी गई है और दैनिक योजना भी विस्तार से आपको दी गई है। कक्षा 4 और 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। बेसलाइन आकलन के बाद दो समूहों में निम्न प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाएगा। कक्षा 4 और 5 के लिए सबसे पहले आप समूह निर्धारण करेंगे। समूह निर्धारण में 15 या उससे कम शब्द पढ़ रहा है तो समूह एक में रख देंगे, 16 या उससे अधिक शब्द पढ़ रहा है तो उसे समूह दो में रख देंगे। समूह और आयोजित होने वाली गतिविधि में क्या करेंगे? समूह एक में कालांश एक में वर्ण और मात्रा पहचान पर कार्य करा जाएगा, ब्लेडिंग पर कार्य किया जाएगा यानी शब्दों को तोड़कर पढ़ना, इस पर कार्य किया जाएगा। शब्द और वाक्य पठन, सिखाए गए वर्ण और अक्षर को उच्चारित करते हुए कॉपी में लिखना, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना, अन्य शब्द वाक्य आधारित लेखन कार्य आपका कराया जाएगा। और कालांश दो में जो उसका दूसरा कालांश होगा, डिकोडिंग और पठन पर कार्य कराया जाएगा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास कार्य आपके कराए जाएंगे। और समूह दो में कालांश एक में कविता और कहानी को हाव भाव के साथ सुनाना, कविता कहानी को बच्चों द्वारा पढ़ना और पढ़कर चर्चा करना, चर्चा के माध्यम से कविता कहानी को बच्चों के अनुभव से जोड़ना और पाठ पर आधारित कई गतिविधि आपको करानी है। इसी के एक समूह दो के कालांश दो में डिकोडिंग और पठन पर कार्य किया जाएगा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास कार्य इसमें लेखन कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बताता चलूंगा कि किस तरह से आपको किस क्लास में क्या कार्य करना है, क्या आकलन करना है, किस तरह से आपको प्रपत्र बनाने हैं। तो साथियों मेरी वीडियो को देखते रहिए, इंतजार कीजिए नई वीडियो का, और ये सब आपको पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे, आप उसको भी पढ़िए। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको स्पष्ट भाषा में और सरल शब्दों में आपको समझा सकूं। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।